केरल के कोची शहर का थमिना इलाका अंदर तक हिल गया है। रविवार को किए गए कलमसेरी विस्फोट का आरोपित डोमिनिक मार्टिन अपने परिवार के साथ यहां रहता था। उसके पड़ोसियों को यह सोचकर हैरत हो रही है कि वे उसे अच्छा आदमी समझते थे, लेकिन उसने विस्फोट कर 3 लोगों की जान ले ली। डोमिनिक मार्टिन 5 साल से ज्यादा से थमिनम में किराए के घर में रह रहा था। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दसवीं तक पढ़ाई करने वाला मार्टिन अपने पड़ोस के बच्चों को अंग्रेजी सिखाता था। मार्टिन के परिवार में उसकी पत्नी, बेटी और एक बेटा है। बेटा ब्रिटेन में पढ़ता है। 5.5 वर्षമായി തമ്മനത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസ് തമ്മനത്തിന് സമീപം എടുത്തായിരുന്നു. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ടാണ് തമ്മനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയില്ല, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും കുട്ടികളും ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു ആധാർ കാർഡുമായി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. मार्टिन रविवार सुबह घर से ये कहकर निकला था कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहा है। फिर उसने जो किया उससे थमनम के निवासी सदमे में है। पुलिस ने मार्टिन के घर की तलाशी ली और उसके परिवार से बात की। मार्टिन के सरेंडर करने के बाद उन्होंने उसके आवास पर फोरेंसिक जांच भी की। विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे 14 लोगों का इलाज जारी है, तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कलमसेरी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुए सीरियल ब्लास्ट के दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहां पर अल्पसंख्यक ईसाई समूह यहोवा के अनुयायी 3 दिवसीय प्रार्थना सभा के अंतिम दिन के लिए जुटे थे।